नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र बछवाड़ा में 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर को होना है। वहीं चुनावी दौर में प्रत्याशियों ने अपनी ताकतें पूरी तरह झोंक दी है और 8 दिसंबर यानी शेष 5वां दिन बछवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदान का दौर जारी रहेगा। वहीं हम आपको लगातार प्रखंड क्षेत्र के में विभिन्न पंचायतों की भौतिक स्थिति से अवगत करवा रहे हैं, साथ ही प्रत्याशियों से हम बात करवा रहे हैं कि आखिरकार वह किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में। हमारे साथ सिंधीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपका क्या उद्देश्य है। सिंधीपुर पंचायत एक वक्त हुआ करता था कि आदर्श पंचायत के रूप में था, क्योंकि जब बलान नदी जब उफान पे आती है और भयावह बाढ़ की आपदा से लोग यहाँ के त्रस्त रहते हैं। इन समस्याओं पर भी हम बात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आए हैं। लगातार हम नवीन शर्मा जी से बात कर रहे थे और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार आपका क्या उद्देश्य रहेगा, आपका क्या उद्देश्य चुनावी मैदान। हाँ, सबसे पहले मैं दीपक जी बीटी न्यूज को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारे क्षेत्र में आके और क्षेत्र की समस्या के बारे में रूबरू होने का प्रयास किया, और थैंक्स बीटी न्यूज और थैंक्स दीपक सर आपको। आप लगातार चुनावी मैदान में हैं और चुनावी मैदान में अपने उद्देश्य को बतला रहे हैं, आप हमें यह बताइए कि आखिरकार सिंधीपुर पंचायत की भौतिक सी क्या समस्या है, यदि वह समस्या अगर आप आते हैं तो उसका निपटारा होगा। सबसे पहले तो मेरा एक ही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये सबसे पहला मेरा नारा होगा। और विकास की जहाँ तक बात है तो मैं विकास के लिए मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर करता हूँ जो विकास के लिए जितने भी सारी समस्या को मैंने अभी तक देखा है वो सारी समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका क्या फोकस है? देखिए, मैं अभी राजनीतिक रंग रूप के माहौल में हम अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा कैसे जागरूक होगा, हमारे वार्ड के हमारे पंचायत के बच्चे बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अभी चुनावी माहौल है, मैं कुछ भी वादा करने से नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा ये चिरंजीवीपुर पंचायत के मतदाता काफी बुद्धिजीवी है, ये चिरंजीवीपुर पंचायत के सामान्य मतदाता काफी बुद्धिजीवी है और उन्होंने एक बार ठाना है, मन में बना लिया है, इस बार नवीन शर्मा को विजय बनाना है और कुल छापर बटन दबा के अपने चिरंजीवीपुर पंचायत के विकास, युवा पीढ़ी को साथ और युवतियों को साथ, हमारे किसान मजदूर को साथ लेके चलने का प्रयास करता रहूंगा। वर्तमान मुखिया कह रहे हैं कि हमने चिरंजीवीपुर पंचायत में विकास की गंगा बहाई और घर घर तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दीपक जी आपको इतना ही कहना चाहूंगा, और आप भी एक पंचायत, हर पंचायत के बारे में आपके पास डाटा उपलब्ध है, खासकर चिरंजीवीपुर पंचायत में अगर मैं वर्तमान मुखिया जी के बारे में अगर अभी चुनाव की रणनीति में मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वो गलत होगा, लेकिन आप भी सब कुछ जानते हैं जो इस बार इस पंचायत में इतनी लूट स्पोर्ट की योजना चली, खासकर इस 5 साल में जो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। आप यदि सफल होते हैं तो पंचायत के मतदाता को सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहनाता हूँ, इस पंचायत में मुखिया जी को ढूंढने के लिए लोग घर घर जाते थे, घर उनके घर जाते थे, लेकिन मेरा सबसे पहला ये उद्देश्य होगा मुखिया हर दरवाजे पे आएगा, उनकी हर समस्या को हर वार्ड में जा जाके उनसे रूबरू होके उनके घर, उनके वृद्धा पेंशन, उनके घर में पानी की, जल जमाव की, निकासी की व्यवस्था को जब आप जनता के घर घर जाते हैं तो जनता से रूबरू होते हैं, तभी आपको विकास करने की भावना झलकती है। अगर आप बिचौलिए के माध्यम से अगर पंचायत वार्ड को विकास कराना चाहते हैं तो आज तक मैंने जो देखा एक बिचौलिए के द्वारा वार्ड का विकास किया गया, न कि आम जनता से रूबरू होकर उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये हमारे साथ थे मौजूदा
चिरंजीवपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, हालांकि पिछले भी चुनाव में यह चुनावी मैदान में थे लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, दूसरे स्थान पर रहे थे। अब देखना है कि चिरंजीवपुर पंचायत की जो सम्मानित मतदाता है वह अपने पंचायत में विकास करने के लिए किस प्रत्याशी को अपना मत देकर विजयी बनाते हैं। हालांकि हम आपको लगातार इस पंचायत की एक एक भौतिक किस्म से अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार विकास किसमें हद तक हुआ या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सीमित रहा। मैं सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी आपके मत का अधिकार है और अपने मत वैसे व्यक्ति को दे जो आपके पंचायत को एक नई दिशा की ओर ले जाए, जो आपके पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। तो मैं आपको एक एक खबर से अवगत कराता रहूंगा। देखते रहे बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।